कमेंट सेक्शन में तो गालियों की बौछार हो रही है। जी हाँ, पूरा वीडियो देखें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल दयाशंकर ओझा, फिर से आपका भाई हाजिर है एक नया वीडियो लेकर। लेकिन उससे पहले आपका भाई बोलेगा, रिक्वेस्ट करेगा चैनल से जुड़ जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई हमेशा ही भोजपुरी में वीडियो लेके आता है। भोजपुरी में जोड़ने की बातें करता है, तोड़ने की बातें नहीं करता है। जी हाँ, अक्षरा सिंह जी ने तो ऐसा तोप दागा है कि सबको लग गई है मिर्ची। जी हाँ, और ये एक रियलिटी है जो कि सबको सुननी ही पड़ेगी। देखो यार, मेरा यही मानना है कि अब आप एक नारी को कमजोर नहीं समझ सकते हो, क्योंकि वो नारी नहीं नारा निकल गई है। और बहुत लोग ये सोचे थे कि अरे दबा देंगे, नहीं गाएगी, लेकिन यार आप समझ रहे हो ना, अक्षरा सिंह जी ने जो कर दिया है बहुत बड़ा कांड कर दिया है। जी हाँ, और ऐसा कांड किया है जो कि कोई सोचा नहीं था। जी हाँ, आप किसी को भी कमजोर नहीं समझ सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि हाथी चले बाजार में, लेकिन एक चींटी कान में घुस जाती है तो हाथी का मरना तय होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों, आपको ये समझना पड़ेगा कि अक्षरा सिंह जी ने अपने कड़वे शब्द से, अपने कड़वे बोल से सबका जवाब दे दिया है। और कभी हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह का जवाब अक्षरा जी की तरफ से आएगा, क्योंकि अक्षरा जी ने बुरी तरीके से जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि सब गाने पर एक ही गाना भारी पड़ गया है। जी हाँ, ऐसा पब्लिक कह रही है, चारों तरफ आप जा देख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाके देखिए। और कुछ लोग इतने गाली दे रहे हैं, इतनी भद्दी भद्दी गालियाँ दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आप गाली दे रहे हो, आपको क्या मिलेगा। देखो, ये तो एक बात सिंपल रहा कि एक तरफ से गाना आया, उन्होंने गाना गा दिया, तो गाने को रूप में लो, क्योंकि कहने का मतलब है कि गलती एक तरफ से देखने से तो नहीं होगा, दोनों तरफ से आपको देखना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। मैं किसी के साइड नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं भोजपुरी का ये अपमान हो रहा है, और भोजपुरी समझ रहे हो ना, भोजपुरी का एकदम डाउनफॉल निश्चित है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग गाली गलौज ना करो और मिलकर रहो, और प्लीज़ कभी भी एक तरफ से मत सोचो, हमेशा दोनों तरफ से देखो। चलो यार, उम्मीद करता हूँ खबर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि गलती किसकी है, पहली गलती किसकी है, सिर्फ नाम लिखना, ठीक है। मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन कमेंट करता है, और वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो।